हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ है और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। आज की तारीख है माफ करिएगा 26 अक्टूबर 2024। सैटरडे का वक्त है, आज सैटरडे का वक्त हो रहा है। कुछ चीजें हैं एजेंडा पे। बाय द वे, आज थोड़ा जो मूड है वो थोड़ा डाउन है। हम लोग को एक बैड न्यूज मिली है इंडिया से। मैं डिटेल शेयर नहीं करूंगा बट स्टिल कैरी ऑन करेंगे। तो कुछ दो चीजें हैं जो आज करनी है हम लोग को, आज जो एजेंडा में है। नंबर वन, साइश का एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है, तो वो वहाँ पे जाके पियानो बजाएगा, जो हम लोग जाके देखेंगे, मजा आएगा, उसको कैप्चर किया जाएगा। और दूसरा है, यहाँ पे बर्ड्सवुड में दिवाली मेला है, जो बड़ा वाला दिवाली मेला होता है, जो हम लोग पिछले हफ्ते गए थे। वो स्वामीनारायण टेम्पल द्वारा ऑर्गेनाइज था, ये वाला इस्वा के द्वारा ऑर्गेनाइज है। तो वहाँ जाया जाएगा, वहाँ पे जाके मस्ती की जाएगी। और वहाँ पे हम लोग के कुछ थोड़े बहुत दोस्त लोग भी आएंगे हम लोग के साथ टाइम पास करने। तो चलिए आज वीडियो करते हैं चालू। कि मैं किसी तो आज तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, क्योंकि वहां पे वीडियो निकलेंगी तो उसके लिए। और मैंने डाल लिया है फॉर्मल, क्योंकि वहां पे जो पेरेंट का कॉम्पिटिशन हो कि कौन क्या पहन के आया, तो उसमें मैं पीछे ना रह जाऊं। What? Hmm. Huh? Alright, Sash. Listen, while we are waiting, can you tell us about the song that you'll be playing in the piano? What is it called? Out of Joy. Huh? Out of Joy. And how long have you practiced it for? I think 3 months. 3 months. How are you feeling right now before your big performance? Excited. Okay, are you confident that you can sit on the stage and perform in front of the huge crowd? Yeah. Yes? And will you look, Papa and Mummy will be sitting there in the crowd? Will be cheering, clapping? And we'll sit in there. Yes. Shana, what are you doing? So, by the way, He's not said anyone. Oh. By the way, it's a pehla performance, hai, stage performance. So far, confident. No stage fright. अभी देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। भाई बहन आ गए हैं साश के स्कूल में। यहाँ पे चैपल साश बैठती है, फंक्शन चैपल। हाँ, ओके। एनीवे यहाँ पे है, अंदर जाएंगे। इसकी जो लॉन टेनिस कोचिंग और बाकी के जो सारी जो थोड़ी बहुत कोचिंग होती है वो यहीं पे होती है। ओके, चलो चलते अंदर। दिखाते हुए भी चलते हैं। ये है यहाँ का ग्राउंड, एक पीछे ग्राउंड था। यहाँ पे ये इन लोग के लॉन टेनिस बास्केटबॉल, आगे भी एक और लॉन टेनिस बास्केटबॉल, उसके बाद एक फुटबॉल। और ये मेरे ख्याल से बड़े बच्चों का है सेकेंडरी स्कूल चैपल पूपल। और हाँ, ये पानी भरने का। तो आखिरकार हम लोग ने ढूंढ लिया है ये चैपल जहाँ पे साइज का होगा, तो जाते हैं अंदर। और ये है अंदर से चैपल, यहाँ पे होगा इसका परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्राउड बैठा हुआ। और तो अभी डुएट खत्म हुआ है, अभी नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा उसमें साइज और उसके दोस्तों का ईयर वन पियानो। और ऐसा जा रहा है अपने क्यू में लगने, वहाँ पे बैठेगा बच्चों के साथ। सुना सीरी से बात करते हुए, सीरी को बुलाओ। साइश आई थिंक विदाउट म्यूजिक शीट जाने वाला है, यहाँ पे भी बैठा हुआ है पीछे। सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस है इसका। और ये है इसका क्या पता म्यूजिक बुक, जिसमें खोलो तो अंदर है साइश राय। Thank you.
Well done. हाँ लाइट अभी हो गया है. साइश का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया है. साइश वेल डन. साइश आर यू हैप्पी विथ योरसेल्फ? आई थिंक यू डिड रियली वेल. आर यू हैप्पी? या वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. यू नो दैट. और इसको मिल गया है सर्वे फर्स्ट परफॉर्मेंस साइश का. और करते हैं चैपल को गुड बाय और जाते हैं बाहर. अभी मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है बहुत. और तो ऐसा काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस का दिन है आज सुबह. ऐसे एक बुरी खबर मिली जिससे ऑब्वियसली इफेक्टेड है. बैकग्राउंड में चल रहा है फैमिली के साथ बात बात करके. और अभी साइश का परफॉर्मेंस तो यहाँ पहला परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा. ऐसा मुझे अभी हम लोग की बात हो रही थी सोनी मेरे ख्याल से. मुझे याद है कि सब बचपन में एक डांस किया था ईयर टू ईयर थ्री टाइप. बट ऐसा आई डोंट नो तुमने कुछ किया ऐसा? स्किट कम डांस पार्टिसिपेट किया था स्कूल का जो एनुअल फंक्शन होता है ना. I saw someone there with a flute. हाँ बट अच्छा है सर लोग का भी इतने बचपन से एक्सपोजर हो रहा है. परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस किया का स्टेज फ्राइट जो है उसको फेस करने का तो इट्स गुड गुड लर्निंग. और साइश ने कमाल का प्ले किया. उसको ऐसा शीट की ज़रूरत भी नहीं थी. शीट ला के रख दी थी हम लोग जो इसकी म्यूजिक शीट है वो घर में लेके घर में भूल गए थे. और बट इसकी टीचर ने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है इसको मालूम है इसका सारे नोट्स मालूम है अपने आप ही प्ले कर लेगा. बट रखा हुआ था सामने शीट बट उसने यूज़ नहीं की विदाउट बिना देखे ही अपना प्ले किया. You didn't need the sheet, did you? No. You knew all the notes? Yeah, but I just used the iPad in case I forgot. Oh, okay, just in case. Did you forget though? No. No? Okay. और भाई बहन तो अभी 3:30 का वक्त हो रहा है. हम लोग का प्लान है जो एक मैडी जो है जो हम लोग के साथ जो व्लॉग में भी आई है पहले वो आने वाली है यहाँ पे. उसके साथ वो हम लोग के साथ लिफ्ट लेगी यहाँ से और जाएगी मेला में. दूसरे जो लोग आने वाले थे उनका कैंसिल हो गया है आई थिंक तो वो लोग नहीं आएंगे. तो हाँ हम लोग का अभी 3:30 बजे से चालू हो गया प्रोग्राम. बट हम लोग क्योंकि बच्चे हैं साथ में तो ऑब्वियसली बहुत देर वहाँ पे नहीं रुक सकते. तो हम लोग सोचे कि यहाँ से 5 बजे जाएंगे 5:30 बजे तक वहाँ पे बेलमोंट कार पार्क में वहाँ पे पार्क करेंगे. वहाँ से बस है शटल बस तो वहाँ से जाएंगे हम लोग दिवाली मेला पर. तब तक सम फुटबॉल. और शनाया बन गई है और तैयार हो गई है. शनाया टर्न अराउंड टर्न करो टर्न करो अपना बैकपैक के साथ. और अब भाई बहनों तो हो गए हैं 5. अभी हम लोग जा रहे हैं बेलमोंट पार्क. वहां पे गाड़ी पार्क करेंगे शटल बस लेके जाएंगे दिवाली मेला. और हम लोग के साथ है और भाई बहनों तो ये है ऑप्टिक स्टेडियम. हम लोग आए हैं बेलमोंट पार्क की पार्किंग में. अभी काफ़ी जगह है काफ़ी खाली है. 400 पार्किंग की अवेलेबल है यहाँ पे. और यहाँ पे जो टेंट दिख रहा है आगे यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे और उसके बजाएंगे इवेंट में. और तो ये जो लोकेशन है इसके पास ये पेड पार्किंग भी है $15 देखे. बट 5 मिनट दूर है जहाँ पे हम लोग ने पार्क किया. तो फ्री में पार्क करके फ्री की बस राइड लेके यहाँ पे आ जाओ जो हम लोग ने चूज़ किया रादर देन पेइंग $15. और बिल्कुल ऑप्टिक स्टेडियम के बाजू में ही है ये रहा स्टेडियम. एज़ यू कैन सी वो अंदर जाके दिखाया जाएगा. दिन अच्छा आज शाम थोड़ी सर्दी होने वाली है 17 डिग्री. तो हम लोग इसके जैकेट वैकेट पहने में. और एक बार बाहर से भी दिखा देते हैं. तो यहाँ पे है जहाँ पे हम लोग को जाना है थोड़ा बहुत चल के. ये है अपने स्टेडियम. और तो ये गेट ई है जिसके पास हम लोग को बस मिलेगी. मैं ले रहा हूँ ताकि मेरे रिकॉर्ड में रहे बेसिकली. और ये है ग्राउंड लाइक आई सेड ये है दिवाली मेला के एंट्रेंस. और रोड क्रॉस किया जाए. और ये है एंट्रेंस
बाजू में फव्वारा, जाते हैं अंदर रेड कारपेट। और घुसते हैं यहाँ पे कपड़े वपड़े, चिल्ड्रंस एक्टिविटी। अभी मैं सब बस ब्रीफ दे रहा हूँ, ऑब्वियसली बाद में देखा जाएगा हम लोग क्या करते हैं, है ना। लग रहा है मेरे ख्याल से ये लोग तो बनवाएंगे। अभी दिन दिन का है तो जितना हो सके मैं भी लॉस्ट चाइल्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट दिन दिन में बना लेते हैं। उसके बाद ओ कैरम भी लोग खेल रहे हैं, वाह चिल्ड्रंस एक्टिविटी में कैरम, नाइस। और ये गुजराती समाज वेस्ट ऑस्ट्रेलिया स्कूल ऑफ मलयालम। और ये क्या है, हिंदू स्वयं सेवक संघ ऑस्ट्रेलिया। वेबसाइट भी अगर किसको इंटरेस्ट हो तो जाके कांटेक्ट कर सकता है। टीम केरला मलयाली एसोसिएशन ऑफ पर्थ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहाँ पे पर्थ में छोटे छोटे। अच्छा है, सब लोग यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाए हैं एंट्रेंस पे। वो आगे और भी है, आगे से मुझे खाने की खुशबू आ रही है, जाया जाएगा वहाँ पे। और तो यहाँ पे एक राइड चल रही है आगे जहाँ पे इन लोग को जाना है, तो हाँ जाया जाएगा। मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं बस देखूँगा, मैं वीडियो निकालूँगा। और यहाँ पे क्या है, सब वो पार्टीज का। और एक स्टेज है आगे जहाँ पे डांस वांस चल रहा है, तो मे भी बाद में वो भी देखा जाएगा। अभी हम लोग बस मुआयना कर रहे हैं एरिया का। और ये मस्ता में है नींबू ट्री, इंडियन फैशन समथिंग। यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं, जाते समय ले तो अच्छा है, कैरी नहीं करना पड़ेगा। और भाई मैंने तो अभी एक सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आईडी नहीं करेंगे। और अच्छा लगता है अगर कोई अगर मुझे पहचाने तो, पहले भी हो चुका है, अगर आके हाय हेलो बोल दो, काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पॉजिटिव फील आती है, मोटिवेशन मिलता है। ऑब्वियसली सोनी को बच्चे को भी ये लोग पहचानते थे। तो हाँ, वही मैं उनको बोल रहा था कि 15 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो वही थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं कि आपको पता चले पर्थ में कैसी है लाइफ देसियों की। और भाई बहनों तो साइश का भी प्लान है यहाँ पे बैठने का, और कोई और बैठने का, तो सोने के टिकट लेने। ओ स्ट्राइकिंग कार भी है यहाँ पे, वाओ मस्त। ये मैंने खास से मैं दिखा दिया है बारहवीं का ट्रक। ऑलरेडी मॉन्स्टर की फ्री ड्रिंक्स मिल रही है कि जाके ले लिया जाएगा, मुफ्त की चीज़ हम लोग नहीं छोड़ते हैं एज यू गाइस नो। और चेंज ऑफ प्लान, सो साइश अभी इसमें जाएगा, यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे बच्चों की राइड है, वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। और ये छोटा सा रोलर कोस्टर ड्रैगन। और स्माइल देखिए, लग रहा है कि साइश को आया बहुत मज़ा। और तो उसके बाद रोलर कोस्टर टाइम। और साइश ने एक कोई दोस्त बना लिया वहाँ पे, लग रहा है बात कर रहा है उससे फुल। और इसमें एक दो डेयरडेविल हैं, जैसे ये इंसान जो पूरा उसको ट्विस्ट किया हुआ है चेन को, अगर चेन टूटी तो इतना रिलैक्स नहीं रहेगा उस समय। और निकल रहे हैं भाई साहब, देखते हैं चेक करते हैं रिएक्शन आने के बाद, ऐसा उछल रहा है कूद रहा है मज़ा आया होगा। साइश 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 ये साइश, हाउ वाज इट? Was it? Hey, how much? और भाई और बहनों, हम लोग सुसु घर गए थे, और यहाँ पे एक नाइट क्लब भी है जिसमें बॉलीवुड गाने बज रहे हैं, अंदर कोई डांस नहीं कर रहा है, बट हमने शो पैसे दे के कि नहीं होगा, लगता तो नहीं है, बट हाँ मे भी बाद में जाया जाएगा। और तो साइश ही क्यों एंजॉय करे, चेन्नई में यहाँ पे लाइन लगी हुई है अपने मम्मी के साथ जो जाएंगे इसमें। और यहाँ पे कुछ मूवी नाइट टाइप की होगी मुझे लग रहा है, यहाँ पे खटिया लगी हुई है, खाट और स्क्रीन, सनडाउन ही होने वाला है, तो ओ इसे सारे वापस आ गए। और लाइट पोपट हो गए, यहाँ पे चेन्नई नहीं जा सकी, आई डोंट नो व्हाई, मेरे ख्याल से बहुत छोटी है तो इसमें जाएगी। और थोड़ा दूर है बट यहाँ पे मे भी दिख रहा होगा BMX राइडर खड़ा हुआ है जो बाइक उछाल रहा है, बाइक बोले तो ऐसा हाँ स्टंट कर रहा है।
हाँ यहाँ से ज्यादा दिखेगा नहीं। माल भी कौन लोग बने हुए हैं, बस हाय कर रहे हैं। और भाई भाई बहनों, तो यही टोकन से यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं। तो साइश का है कि गेम खेलो। स्ट्रैगन कार जो है वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ है, वहाँ पे हम लोग लगेंगे नहीं। और उसके बाद में जो झूला है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो ये बच्चे और एक्चुअली लाइन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई गेम सेलेक्ट कर लेंगे, एक टोकन बाकी है। और भाइयों बहनों, तो टोकन तो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, बट यहाँ पे आए तो खेल के जाएंगे क्योंकि ईगो पे बात आ गई है। और तो ये रहा साइश गलती करते हुए। Oh, well done. Number 30. Oh, तो यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। You want a giraffe or the other thing which she said? Truck? Oh, तो of course ये monster truck लेगा। Oh, Sash, what did you get? Oh, wow, nice. चलो $8 में कुछ तो मिला। टोकन अभी भी है हमारे पास। और यहाँ पे कोई नहीं है तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ये लगे हैं आप ये खेलने हैं। और तो मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ कि इन लोग के जितने टंगे हुए हैं और जितने यूज़ हुए हुए हैं, लगता तो नहीं है कि शाम से कोई जीता है प्राइज़। ये थोड़ा बहुत जीता होगा मे बी, बट आई डोंट थिंक सो। कोई डोनट क्यों लेगा जीतेगा तो। और भाई बहन, तो ये नंबर आने चाहिए तो जीत जाएंगे। और ये अभी हम लोग ने किया है, अभी तक तो कोई नंबर नहीं आया है। अगर मैच हुआ तो कुछ भी ले सकते हैं। लास्ट नंबर बाकी है, साइश गो फॉर इट। 885. Oh, no, we didn't win. It's okay. It's okay. All right, so अभी यहाँ पे time pass हो रहा है। All right, तो इसमें लगता है कि कुछ जीता गया है, ये अभी select हो रहा है कि क्या ले। Oh wow. Oh. सब लोग खुश। All right, तो अभी ये try करने वाले, देखते हैं कि जीते कि नहीं। और कुछ भी, कुछ एक और चीज जीत गया ये लोग मेरे ख्याल से। इसने साइश को दे दिया एक और गिफ्ट। और ये सब बाउंसी बाउंसी कासल है, $15 का $8, तो ठीक है। बट हाँ, तो सारे बबल्स निकल रहे हैं और ये लोग आए फिर से हार के लग रहा है। और तो यहाँ पे भरत, प्रिया और कल्याण भी आए हुए हैं। तो अभी भरत यहाँ पे है, कल्याण और प्रिया गए अपना लक ट्राई करने। बोले कि ऐसा तुम लोग हार गए बट हम लोग जीत के आएंगे, तो देखते हैं कि जीत के आते हैं कि नहीं। इसको मैंने काम दे दिया बबल्स फुलाने का, मैं आधे घंटे से कर रहा था। और प्रिया, इसका नाम प्रिया है। प्रिया कितना कितना जीत के आई? 0 कुछ। और ये कल्याण मिला कि ये खेलने गया था बट नहीं, ये सुसु कर रहा था तब से। अच्छा प्रिया, एक क्वेश्चन पूछना है, तुमने इंडियन कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि सबने मुझे धोखा दिया, बोला इंडियन और फिर मैं इंडियन से वेस्टर्न। नहीं नहीं, बट अच्छी बात है। और क्या, मुझे धोखा मिल रहा है। हाँ बस दिवाली के दिन ज्यादा अच्छा वेदर था तो आराम से इंडियन पहने थे, पर आज बहुत ठंडा है, रिवर के किनारे थे। बच्चा गिर गया मेरी, ऐसा एक्चुअल फिशिंग का तो काम हुआ नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, ये नीमो बनाया गया है बट नीमो जैसी दिख नहीं रही है मे बी। हाँ ऐसा मेड इन चाइना वाली नीमो। और ये अभी पूरा रिकॉर्ड कर दिया है, सब सारे बास्केट कर रहा है भरत, यहाँ पे खेल रहा है, हम लोग का नाम रोशन कर रहा है। और ना, और ने तो कुछ नहीं जीता मेरे ख्याल से, $5 का डिनर थी। और ये आया अपना विनर, ये कैसे किया भरत? $8 out of 9. अभी कौन सा गिफ्ट मिलेगा? वो बड़ा वाला डॉल। ओह वाओ, मस्त है। अच्छा ये देखो, इन लोग को ये मिला। मस्त मस्त, गुड, वेल डन। और यहाँ पे भरत का एक फैन क्लब बन गया है, क्या हुआ भरत? अभी देखें ये डालेगा कि नहीं। एक और बड़ा वाला मिला। और ये
पीछे पूरे जो है ये पूरे बस परफॉर्मेंस देखने आए भरत का। यहाँ पे एक एक ओ भरत एक और बार वेल डन लोग ऐसा अभी क्या बोलते ऑटोग्राफ लेने आए और इसको अच्छा मेरे को भी मिल गया। चलो वेल डन दोनों खुश। और ये सब तो थे अभी क्या बोलते हैं रिमोट कंट्रोल कार लेके आया शायद अमेरिका से दिलवाया होगा इन लोग ने। ये तो अच्छा है ये सब जीत चुके हैं सब खरीद रहे हैं बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ मैं क्यों कैरी कर रहा हूँ मैंने क्या किया है। और ये क्लोजअप ट्रक का जो ये लोग ये बेसिकली डिफेंस जॉब्स के ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आर्मी में जॉब लो जाके अफगानिस्तान इराक में जाके खाना बांटने का काम करते हैं ये लोग। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसा ये है इसका डिटेल्स अगर किसी को डिफेंस में जॉब चाहिए तो ये लोग लगे हैं क्यू में। और ये है यहाँ का मेन ग्राउंड आगे स्टेज जो देखा था और यहाँ पे अच्छे अच्छे डेकोरेशन लगा रहे हैं पेड़ों को लाइट अप किया हुआ है पूरा और ये स्टेज धुआं भरा हुआ स्टेज। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आई डोंट नो आधे लोग तो ये रहे बाकी क्या कहाँ गए वो ये रहे। यहाँ पे ये अंकल बेच रहे हैं कुल्फी खाई जाएगी बट पहले कुछ गर्म खा जाएगा तो आगे जाते हैं। यहाँ पे मस्त दिवाली मेला का लाइट लगी हुई है। ओए भाई साहब भीड़ तो बहुत ज्यादा बट मैंगो स्मूदी चिप्स और यहाँ पे बहुत सारे देखते हैं। ओ ये क्या है कैंडी फ्लॉस कौन खाएगा इंडिया के दिवाली मेला में आके। ओ चाय मिल रही है चाय बाद में पिया जाएगा अभी नहीं। और भाई मैंने भीड़ तो बहुत है फूड सर ये क्या मिलता है यहाँ पे चिप्स दाबेली वड़ा पाव बट लाइन बहुत ज़्यादा है। ये देखो भाई क्यू अब कहाँ पे बैठने की भी ये जगह बनाई हुई है बट अभी पीक आवर में हम लोग आए यहाँ पे। और ये कॉफ़ी प्लेस की ये लाइन यहाँ पे ये है इतनी लंबी और आगे ऑथेंटिक इंडिया स्ट्रीट फूड देसी धमाल। और अब हमने तो बहुत ज़्यादा भीड़ है मतलब इतना कि अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ये ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि पर्थ है ये लग रहा है कि बॉम्बे कोई है। अजीब टाइप की फीलिंग आ रही है इतनी ज़्यादा भीड़ पर्थ में बाप रे। तंदूरी फ्लेम्स है खाने का बहुत सारे देसी धमाल बट हम लोग अभी क्यू में ज़्यादा नहीं लग सकते हैं बच्चों को लेके तो बाकी लोग लगे हुए हैं हम लोग यहाँ पे वेट करें उन लोग के लिए आएंगे तो हाँ होपफुली हम लोग के लिए भी कुछ लेके आए। ऑल राइट तो मिशन पूरा करके प्रिया और भरत लेके आए हैं पाव भाजी अब यहाँ पे बैठा जाए। ओह गॉड। और तो साइज को सुसु कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे यहाँ पे ब्लू कलर का पेड़ है जो स्टैंड करता है मेंस मेंटल हेल्थ के लिए जैसे फायर है। और यहाँ पे जो यहाँ पे पेंटिंग का कुछ वर्कशॉप हो रहा है और यहाँ पे सब एक दो अपने स्टॉल्स लगा हुए हैं स्पार्की इलेक्ट्रिशियन आई थिंक इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन और ये सब। और ये डॉक्टर जैक्स कृष्णन MLA रिवर्टन यस मुबारकाए MLA ओके मेरे ख्याल से मैंने प्रोनाउंस अच्छे से नहीं किया सो फॉरगिव मी। और यहाँ पे कुछ और स्टॉल्स हैं यहाँ पे हो रहा है आग ओह वाओ अभी हम लोग ऐसा ज़्यादा बैठ के देख तो नहीं पाए ऑब्वियसली बच्चे के साथ बट यहीं से देख लो पीछे बैकग्राउंड में जो ब्रिज है वो दिख रहा है अपना मैं नाम भूल गया क्या बोलते हैं उसको ओ ये देखो यहाँ पे लोग अपना फोटो खिंचा रहे हैं। और हम लोग का लैंडमार्क है मैंगो स्मूदी जो ग्रीन कलर का बोर्ड है उसके सामने हम लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पर जाते हैं वापस भीड़ में। और भाई बहनों ये आ गए अपना लैंडमार्क और ये लोग हाँ आ गए वापस ओ अभी हम लोग की पिकनिक होगी थक गए ये क्या क्या है बहुत कुछ। और रहते मिर्ची भज्जी खा रहे हैं जो कल्याण लेके आए मेरे ख्याल से उसको बहुत पसंद है पाव भाजी अब तक कोई टच नहीं किया है। यहाँ पे लाइन में ज़्यादा लगने का टाइम लग रहा है राधा दिन खाने में समोसा
हम लोग के पास तो बहाना की बच्चे हैं तो हम लोग को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। और ये भी कुछ है मेरे ख्याल मंचूरियन, हाँ। और अभी मैं खड़ा होकर ब्लॉक कर रहा हूँ ताकि हम लोग का फूड कोई डिस्ट्रॉय ना करे, कोई चल के ना जाए। बहुत भीड़ है एज यू कैन सी। और भाई बहनों ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बैठ कर खाना खा रहे थे और ऊपर फायरवर्क्स चालू, पर बीच में एक पेड़ है, क्या करेंगे अब। चलो कोई नहीं, पेड़ के थ्रू देख लेंगे। और भाई बहनों तो पेड़ के थ्रू फायरवर्क्स हम लोग देख रहे हैं और अभी खत्म होने वाला है। फिनिश, मजा आया भरत पेड़ के थ्रू फायरवर्क्स देख के। अच्छा था। और तो ये लोग फाइनली आधे घंटे के बाद आ चुके हैं, यहाँ पे 9:45 का वक्त हो रहा है, 10 बजे पार्किंग बंद हो जाएगी। और हमें अभी हम लोग को डोसा भी खत्म करना है, एटलीस्ट डोसा गर्म है। और अगर पार्किंग बंद हो गई तो आज सब लोग भारी सोएंगे फुटपाथ पर। और भाई बहनों तो अर्जेंसी तो है, बट कुल्फी को नहीं छोड़ा जा सकता तो हम लोग लग गए कुल्फी लेने। और तो वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था तो हम लोग सोचे कि बीच में एक छोटा सा स्टॉल आया था कुल्फी का, वहाँ से लेके जाएंगे। बट हाँ अभी लेट हो रहा है। और तो कुल्फी हम लोग ने ले ली है यहाँ से ठेले से, सेम ब्रांड सेम सब कुछ। नाउ क्या बोलते हैं, टाइम टू रिवील कि हम लोग को गाड़ी मिलेगी कि नहीं। और भाई बहन तो हम लोग 5:30 बजे आए थे, अभी 10 बजने वाले हैं, 7 मिनट बाकी हैं, अभी जा रहे हैं वापस ऑप्टिक स्टेडियम। यहाँ से 10 मिनट लगेंगे चलने में, वहाँ से बस पकड़ेंगे, होपफुली बस मिल जाए और उसके बाद जाएंगे अपने पार्किंग लॉट। ओपन पार्किंग है तो मुझे लगता है क्लोज तो नहीं होनी चाहिए, वैसे लिखा था वहाँ पे, बस जो बस सर्विस है उसका डाउट है। ओ यहाँ पे महिंद्रा मिल रही है, नहीं किसी की प्राइवेट है, सॉरी पर्सनल। ओके वेरी नाइस फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय इस्वा, इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और यस टाइम टू गो बैक होम। और भाई बहन तो गुड न्यूज़, हम लोग अकेले लोग नहीं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन है और बसेस यहाँ पे है तो मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। हम लोग भी लग गए लाइन में। ऑल राइट विक्ट्री, तो सामान रख दिया अंदर स्ट्रॉलर, अभी जा रहे हैं अंदर बस के। वैसे कुल्फी खाना सक्सेसफुल रहा। अच्छा चलो आखिरकार हम लोग को मिल गई गाड़ी, जाएंगे वापस। और भाई बहनों तो आज के इतना रखते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक बहुत पसंद आया करते, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुलाकात होती है अगली वीडियो में, बाय।